मेरठ में 24 घंटे के अंदर ही दुल्हन की मौत हो गई। बाथरूम में मिला है दुल्हन का शव। सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी दुल्हन, 20 मिनट तक बाथरूम में पड़ी रही। घर की महिलाओं ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाथरूम में दुल्हन वैशाली का शव अकड़ा हुआ मिला है। गाजियाबाद के रहने वाली थी दुल्हन वैशाली। दुल्हन पगफेरे के रस्म पूरी करने के लिए घर आई हुई थी। दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए भाई और पिता आए थे। दुल्हन तैयार होने के लिए बाथरूम में गई थी। परिजनों ने तत्काल गाजियाबाद से रिश्तेदारों को बुलाया है। दुल्हन वैशाली को तत्काल आनंद ले जाया गया। डॉक्टरों ने दुल्हन को मृत घोषित किया है। दुल्हन की अचानक मौत पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए आखिर कैसे ये मौत हुई, क्योंकि 20 मिनट तक बाथरूम में दुल्हन पड़ी रही और जब दरवाजा खोला गया तो अकड़ा हुआ शव मिला है दुल्हन का। आखिर क्या वजह रही, इसको खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल बने हुए हैं हमारे साथ। अतुल, क्या इस पूरे मामले से जानकारी निकल कर सामने आ रही है? महज 24 घंटे के अंदर दुल्हन का इस तरीके से मृत्यु, और वो भी बाथरूम में जाने के बाद। क्या हुआ, किसी को कोई खबर नहीं है, कुछ भी जानकारी मिल पाई है अभी? चलिए, शायद अतुल तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही, दोबारा से प्रयास करते हैं जोड़ने का। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, बड़ा ये पूरा मामला है, सवालों के घेरे में भी ये पूरा मामला इसलिए भी है कि आखिर 24 घंटे के अंदर दुल्हन की मौत का ये पूरा दुखद मामला है। क्यों उसकी मौत हुई है, मौत की क्या वजह रही है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दुल्हन बाथरूम में जाती है पगफेरे के लिए, अपने मायके जाती है, और वहां पर जब बाथरूम में जाती है उसके बाद 20 मिनट के बाद जब घर की महिलाएं वो दरवाजा खोलती हैं तो उसका शव मिलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ, बताया जा रहा है कि उसका शव अकड़ा हुआ मिला है। इसकी भी जांच की जाएगी कि आखिर उसका शव किस तरीके से अकड़ गया, क्या उसके साथ हुआ, कैसे उसने ये पूरी जंग लड़ी है, चंद मिनटों में क्यों, कैसे उसकी मौत हुई है, क्या वजह रही है, इन तमाम सवालों को खंगालने में प्रशासन अब जुटा हुआ है। फिलहाल दुखद ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि जिस घर में शहनाई बजी हो 24 घंटे पहले, खुशियों का माहौल हो और उस घर में मातम छा जाए, तो ये दुखद खबर सामने आई है मेरठ से। लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर दुल्हन की मौत कैसे हुई, क्या मौत की वजह रही, इसको टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कोई हादसे का शिकार दुल्हन हुई है, या फिर क्या उसके साथ हुआ है, अनेक एंगल से जांच की जा रही है इस पूरे मामले पर। परिजनों ने फिलहाल तत्काल गाजियाबाद से सभी रिश्तेदारों को बुलाया है। दुल्हन वैशाली को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दुल्हन को मृत घोषित कर दिया है। तो दुल्हन की ये तस्वीरें हैं, जहां एक दिन पहले ही उसकी एक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ था, लेकिन जीवन 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा उस नए अध्याय के साथ, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो बेहद ही दुखद ये पूरी खबर है। बाथरूम में दुल्हन का शव मिला है। पगफेरे की रस्म पूरा करने के लिए वो आई थी, जहां उसके भाई और पिता उसे लेने गए थे और उसके बाद वो लेकर आए थे, और अब कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा है। जिस बेटी को उन्होंने घर से विदा किया था खुशी खुशी, वो कहीं ना कहीं उसकी मौत हुई है, और क्या उसकी वजह, ये भी स्पष्ट नहीं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्या वजह रही है दुल्हन की मौत की, कि 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई, मौत की वजह भी नहीं समझ आ रही है? देखिए, मेरठ के क्षेत्र के सेक्टर 8 का मामला है, जहां पर 24 घंटे पहले जहां घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन 24 घंटे बाद मातम में बदल गया है। मेरठ पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। परिवार, जो दूल्हे के परिवार के लोग हैं, वो अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, लेकिन जो दुल्हन के परिवार के लोग हैं उसमें कुछ लोग विरोध भी करते हैं, उसके बावजूद जो परिवार के लोग होते हैं वो अंतिम संस्कार के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से महज 24 घंटे के अंदर बाथरूम के अंदर नई नवेली दुल्हन का शव मिलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार में हड़कंप मच जाता है, कोहराम मच जाता है, उसके बावजूद देखा जाए तो पुलिस को कानो-कान, जो क्षेत्रीय पुलिस है उसको कानो-कान ना सूचना दी जाती है, ना कोई खबर मिल पाती है, और उसके बाद ये मामला अब दोबारा सुर्खियों में नजर आने लगा है। बीते दिन की बात की जाए तो महज शुक्रवार को शादी होती है, शुक्रवार की रात को देर रात तक शादी चलती है, और शनिवार की सुबह मेरठ जब दुल्हन पहुंचती है, और उसके बाद में देखा जाए तो महज 24 घंटे बाद दुल्हन का शव घर के बाहर निकलता है। कहीं ना कहीं मामला संगीन है। फिलहाल पुलिस को अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई तहरीर बेटी पक्ष की तरफ से या दुल्हन की पक्ष की तरफ से आती है,
या फिर दूल्हे की पक्ष की तरफ से कोई कार्रवाई की मांग की आती है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामला इस समय गर्माता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के लोग मामले को छुपाने में जुटे हुए हैं, फिलहाल मीडिया के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि हम दुख का पहाड़ झेले पड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं वो इस मामले को गुठलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या पुलिस इसमें कोई कार्रवाई कर पाती है, किस वजह से, किन कारणों की वजह से जो दुल्हन है उसकी हत्या हुई है, या फिर जो गीजर है उसकी गैस लीक होने के बाद, उसके दम घुटने के बाद उसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मामला संगीन है, उसको देखते हुए लगातार देखा जाए तो जो मामले के जो परिवार के लोग हैं वो मामले को गुठलाने में जुटे हुए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि फिलहाल उन पर पहाड़ों का अंबार टूटा है, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर जिस तरह से एक दुल्हन का सब जहां पर शादी की खुशियां मना रहे थे पूरे परिवार के लोग, उसके बाद में जहां घर से जो बाथरूम है, बाथरूम के कोने में एक सब पड़ा मिलता है, जो परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचते हैं 20-25 मिनट बाद, जब दुल्हन घर से नहीं निकलती है, बाथरूम में से नहीं निकलती है, जो घर की महिलाएं हैं वो गेट खटखटाती हैं, उसके बाद में बाथरूम का गेट खोला जाता है, जो गेट खुला हुआ था उसके बाद में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मामले में कहीं ना कई मोड़ नजर आ रहे हैं। पुलिस अभी इस मामले में नहीं जुटी है, पुलिस का कहना है कि कोई तहरीर मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि महज 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या बीतता है कि जो दुल्हन का शव बाथरूम के कोने में पड़ा मिलता है। तो अतुल, क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर क्या मौत की वजह रही है, क्योंकि जब डॉक्टरों ने मृत घोषित किया तो क्या उनको मुख्य वजह लगी? देखिए, मेरठ के मेडिकल जो प्राइवेट जो मेडिकल अस्पताल है, आनंद अस्पताल है, उसमें परिवार के लोग, जो दूल्हा परिवार के लोग हैं वो लेकर जाते हैं, वहां पर मृतक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पताल ऐसे कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है जहां पर मृतक का मामला हो। प्राइवेट अस्पताल है, परिवार के लोग जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए, अगर ये मामला पुलिस के संज्ञान में पड़ता है, पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है, पूरी प्रक्रिया करवाने के बाद आगे की जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए अनुमति देती है। लेकिन मेरठ की बात की जाए तो ये परिवार बिगर किसी को बताए, बिगर पुलिस को सूचना दिए आनंद अस्पताल लेकर जाता है, वहां पर महिला को मृतक घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जो दुल्हन परिवार के कुछ रिश्तेदार है उन्होंने इस बात का विरोध किया, दुल्हन परिवार के जो लोग हैं उन्होंने विरोध करने के बाद, जो परिवार दुल्हन के पिता है या फिर भाई है, उन्होंने मामले को शांति से निपटाने के लिए परिवार के उन लोगों को शांत कराया, साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। वह 24 घंटे बाद जिस तरह से जल्दबाजी यहां पर अंतिम संस्कार किया गया है, पुलिस को बिगर सूचना दी है। देखिए, अस्पताल में जाने के बाद अगर बात की जाए तो आनंद अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, क्योंकि पहले ही जो बाथरूम में सब मिला था उसको केवल खाना पूर्ति के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के साथ तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरे मामले में अभी बड़े सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं और उनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। ठीक है अतुल, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।